नमस्कार दोस्तों, मैं रानी आज आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, जिसमें हम दो पार्ट पहले देख चुके हैं, जिसमें हम आज पार्ट थर्ड देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि बदलती जलवायु अर्थात किस प्रकार से जलवायु बदली और मनुष्य आदिम मानव से होते होते वो कृषक और पशुपालन कैसे बन गए, उस प्रकार से हम आज देखते हैं। तो जिसमें है फर्स्ट की बदलती जलवायु, तो जिसमें है कि लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए थे और गर्मी बढ़ने लगी। इसके कारण कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, जिससे जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। आज से लगभग जलवायु में बड़े बदलाव आए थे, जिसमें गर्मी अचानक बढ़ने लगी थी और ऐसा हुआ था कि पूरे पृथ्वी पर घास के मैदान बनने लगे थे, बहुत ज्यादा घास उगने लगे थे, जिससे जानवर जो घास खाकर जिंदा रहते थे, भेड़ बकरी लकड़बग्घा वगैरह, तो उन लोगों की संख्या में वृद्धि हुई। तो उसी में है कि जो लोग जानवरों का शिकार करते थे वे इनके पीछे आए और इनके पीछे खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। और हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों में को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे होंगे। साथ ही इस काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया कि जब जानवरों की संख्या बढ़ी तो मानव जो थे वो जानवरों के पीछे थे और उन लोग पीछे रहने लगे, तो उनका जो खाने पीने की सामग्री और जो प्रजनन का जो कार्य होता है उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगे, जिससे हमें यह लगता है कि शायद हो सकता है कि वो लोग उन जानवरों का अपनी आवश्यकता के अनुसार पालने की बात सोच रहे होंगे, तो ऐसा हो सकता है। दूसरा है कि खेती और पशुपालन की शुरुआत किस प्रकार से हुई, कि खेती और पशुपालन तो अचानक मनुष्य कर नहीं रहा होगा, तो खेती और पशुपालन किस प्रकार से हुआ तो वो हम देखते हैं। तो जिसमें फर्स्ट पॉइंट है कि इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में अलग अलग इलाकों में गेहूं और जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगी थी, यानी मानव खुद नहीं उगा रहा था, प्राकृतिक रूप से जो प्राकृतिक की देन थी उगने लगी थी, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा था। तो जलवायु परिवर्तन में धीरे धीरे सभी प्रकार के पेड़ वृक्ष घास वगैरह उगने लगे थे, जिसमें है कि गेहूं जौ और धान और अनाज के और अन्य अनाज जो प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, शायद महिलाएं पुरुष तथा बच्चे इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना या इकट्ठा करना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और पक कर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोग इन अनाजों को खुद पैदा कर ना सीख लिया और इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार वे धीरे धीरे कृषक बन गए। कि हो सकता है कि जब उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न इलाकों में जौ और गेहूं का उगना प्राकृतिक रूप से शुरू हुआ था, तो जो उस समय के मानव थे स्त्री पुरुष बच्चे, तो लोग उन अनाजों को इकट्ठा करना आरम्भ करते थे अपनी जरूरतों के लिए। तो लोग उन अनाजों की जानकारी इकट्ठा करने लगे कि उगते किस प्रकार से हैं और कब पक जाएंगे, इस प्रकार के, तो वो धीरे धीरे कृषक बन गए। इस प्रकार से वे कृषि आरंभ कर दी। दूसरा पॉइंट है कि इस तरह लोग अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाना आरंभ कर दिया होगा। जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाना आरंभ कर दिया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर का पालतू बनाया गया था वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़ बकरी गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और धीरे धीरे लोग पशुपालन बन गए। ये तो था कि कृषि। दूसरा है पशुपालन के लिए। तो जब लोग कृषक बन गए तो लोग अपने घर के बाहर में जब उन लोग पता चल गया कि जानवर किस प्रकार का भोजन खाता है, तो वो लोग चारा इकट्ठित रखते थे घर के अगल बगल या आसपास में, जिससे कि जानवर उसे देखकर खाने के लिए आते थे तो वो लोग उन्हें पालतू बनाने, जिसमें से सर्वप्रथम था जो कुत्ते का जंगली पूर्वज था उन्हें पालतू बनाया था। फिर धीरे धीरे भेड़ बकरी और गाय सुअर जैसे जानवरों को
पालतू बनाना आरंभ कर दिया। और ये लोग जो मानव थे वो जानवरों को जंगली मतलब जो जंगली जानवर जो होते थे क्योंकि ये लोग पालतू बना दिए थे अपने पास रखते थे तो इनकी सुरक्षा भी लोग करते थे। इस प्रकार से मनुष्य पशुपालन भी आरंभ कर दिया। तो इस प्रकार से मानव बदलती जलवायु के अनुसार कृषि और पशुपालन आरंभ किया था। थैंक यू, आज के यहीं तक, फिर कल देखते हैं।